हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। मुंबई में फिल्म मलंग का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी, अनिल कपूर और मोहित सूरी रहे प्रेजेंट। ट्रेलर लॉन्च के बाद सभी ने मीडिया से बातें भी की और सभी ने यहां पर अपना अपना फनी एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अनिल कपूर ने यहां पर बताया कि मैं आज ये बता दूं कि इस फिल्म के बाद ये जोड़ी हिट होने वाली है। इसके अलावा अनिल कपूर ने यहां पर अपनी एज को बेस किया। उनके अनुसार काश उनकी एज आदित्य रॉय कपूर की तरह होती तो वो भी ढेरों सारी चिलम फूकते। अनिल कपूर ने यहां पर किसिंग सीन को भी मिस कर रहे थे। अनिल की इच्छा तो होती है लेकिन वो अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अनिल कपूर ने बताया कि जेएनयू स्टूडेंट के साथ में जो कुछ भी हिंसा हुई है वो बहुत ही गलत है और मैं पूरी रात पर सोया नहीं हूँ। No, I think you know, I feel any it has to be condemned and I it's it was quite sad and quite shocking what I saw what the you know and you know it was very disturbing. Matter of fact, पूरी रात सोया नहीं ये सोच सोच के कि यार ये you know what is happening. So it has to be condemned. Violence se kuch hone wala to hai nahi, and all the jinhone bhi ye kiya they should be I think punished. Absolutely, there's no place for that kind of violence in our country and the perpetrators have to be brought to task. Definitely. Film Ghost Stories ke liye Avinash Tiwari se media ne ki khaas baat chit. Film Laila Majnu ke baad Karan Johar ki Ghost Story pe nazar aane wale Avinash Tiwari ne bhale hi ek bhi hit na di ho lekin unke character ko hamesha saraha gaya hai. Fir chahe wo Laila Majnu mein ho ya fir Ghost Stories mein ho, critics appreciation hamesha se milta hai. और उनकी फिल्म घोस्ट स्टोरी के लिए हमने एक खास बातचीत की जिसमें अविनाश ने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म का भी अलविदा ना कहना भी बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया है और आज करण के साथ काम करना उनके लिए ड्रीम कम ट्रू है। इसी के साथ अविनाश ने प्रियंका और कैटरीना के साथ एक एक्शन फिल्म में काम करने की अपनी इच्छा जाहिर की और साथ ही में बताया कि किस तरह उनका इंटरेस्ट राइटिंग में भी है। अविनाश के इस साल दो फिल्में आने वाले हैं और अविनाश ने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बातें की। सो आई हैव टू फिल्म्स कमिंग अप दिस ईयर, इट्स कॉल्ड बुलबुल एंड द गर्ल ऑन द ट्रेन। बुलबुल इज अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय क्लीन स्टेट अनुष्का'स प्रोडक्शन हाउस। इट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय अनविता दत्त एंड आई एम कमिंग बैक विद तृप्ति डिमरी हु इज लैला फ्रॉम लैला मजनू। सो पीपल हु हैव लव्ड आवर फिल्म देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। वी हैव कमिंग अप विद समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आई होप यू गाइस लाइक इट because I truly believe it can be a surprise film of the year. It has all the things that I feel which has the potential to become one if it comes together. I haven't seen the film so I can't talk much. The Girl on the Train is a screen adaptation of the book of the same name and I am playing this guy who I am still discovering, very honestly. I've done whatever I could but he is still an unknown to me. And which is why it was so exciting. I don't know what makes people do things that he does in the film. JNU violence ke khilaf Bollywood celebrities ne kiya silent protest. अनिल बाजपेयी के ऑफिस में स्पॉट हुए कार्तिक आर्यन।
बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।